मणिपुर में 6 महीने से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीच में सुधार के दावे किए गए लेकिन हालात कथित रूप से फिर खराब हो गए हैं। इस बीच सरकार एक फोर्स एक जिला की नीति अपनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार मान रही है कि इससे जवानों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद मिलेगी और हिंसा को काबू करना आसान होगा। हालिया हिंसाओं को देखते हुए सरकार ने मणिपुर में कई क्षेत्रों को अशांत घोषित कर दिया है। हालात खराब होने की वजह से इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अगर सरकार एक फोर्स एक जिला की नीति के साथ आगे बढ़ती है तो पैरामिलिट्री फोर्स की एक टुकड़ी को एक जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे जवाबदेही भी तय किया जा सकेगा और फोर्सेस के बीच संभावित विवादों को कम करना आसान होगा। इस बीच जिले में सभी होने वाली घटनाओं के लिए भी संबंधित टुकड़ी ही जिम्मेदार होगी। इम्फाल में हिंसा जारी है। इम्फाल वेस्ट में एक उग्र भीड़ ने डीसी कार्यालय में तोड़फोड़ की और 2 वाहनों में आग लगा दी। जुलाई महीने में एक लड़का और एक लड़की स्टूडेंट्स लापता हो गए थे। बाद में उनके शव मिले जो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। इसके बाद से ही यहां हालत खराब है। आपको बता दें राज्य में सबसे ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और इस लिहाज से माना जा रहा है कि सीआरपीएफ को एक से ज्यादा जिले में तैनात किया जा सकता है। सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस राज्य की पुलिस के साथ तालमेल बनाकर काम करेगी। हालांकि इस नीति के इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये नीति लागू की जा सकती है। इतना ही नहीं, मणिपुर में सरकार ने कई क्षेत्रों को अशांत घोषित कर दिया है। वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इंटरनेट पर भी बैन लगा दी गई है। हिंसा की घटनाओं में कमी आने के बाद हाल ही में सरकार ने 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी थी। मणिपुर गृह विभाग की माने तो मणिपुर के राज्यपाल ने और भी सशस्त्र बलों की मांग रखी है। दरअसल राज्य में 2 लापता छात्रों की मौत के बाद हालात फिर से तनावपूर्ण होने लगे हैं। इम्फाल शहर और घाटी के दूसरे इलाकों में छात्र उग्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हिंसा की फिलहाल कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन हालात फिर भी मणिपुर में लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बुधवार को रात भी इम्फाल की सड़कों पर जमकर हंगामा और प्रदर्शन हुआ। अब सरकार नई नीति अपनाकर हालात सुधारने की कोशिश में लगी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।